तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर ही फंस चुके हैं पूरी तरीके से, देख सकते हैं इधर पूरा कादो ही कादो है। क्या आप देखते हैं इधर से पार हो पाते हैं कि नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और आज का प्लान ये है कि आज जाने वाले हम लोग दामोदर नदी। एक दोस्त का वेट कर रहे हैं, वो आएगा, उस पर हम लोग जाएंगे दामोदर नदी। वहाँ पे एक ब्रिज है जो बहुत पुराना है, 1947 का है, तो वो भी देखेंगे। तो उसका वेट करते, वो आएगा, उसका चलते हैं। चलिए, लगता है वो आ गया, लगता है गाइस वो आ गया है मेरा जो दोस्त। वो देखते वही है कि कोई और है। चलिए जी, चलना नहीं है? अच्छा हाँ, यही है, तो चलो चलते हैं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं वहाँ पे दामोदर नदी के पास। चलिए बाय। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं जी? फाइनली हम लोग दामोदर ब्रिज पहुँच चुके हैं और दिखाते हैं आपको इसका बेस्ट लोकेशन। आप देख सकते हैं इसका बेस्ट लोकेशन। अभी गाइस आपको और कुछ दिखाते हैं, पहले तो इसका स्टैंड लगा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका बेस्ट लोकेशन और बेस्ट व्यू। आप देखिए यहाँ का कुछ इस तरह से व्यू दिखता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लोकेशन है जो कि, और हम लोग इसके नीचे भी जाएंगे तो दिख रहा है वो रास्ता से होते हुए उधर भी जा करके देखेंगे। जहाँ जहाँ गाड़ी जाएगी वहाँ वहाँ हम लोग जाएंगे, और जहाँ गाड़ी नहीं जाएगी वहाँ हम लोग जाएंगे। और ये 1947 में ये पुल बना था, और जिस टाइम बना था उस टाइम कुछ दिन चला, उसके बाद एक नया पुल बन गया। देखिए वहाँ पे, अब वहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये पुल बंद हो चुका है। और हाँ, उससे ज़्यादा ये मजबूत है, आज भी ये पुल उतना ही मजबूत है जितना वो पहले था, और अभी इसमें कोई आते जाते नहीं है, इसलिए उसको बना दिया गया है। वहाँ पे दो पुल है, शायद आपको नहीं दिखेगा, दिखाइए, वहाँ पे दो पुल है जो आपको नहीं दिखेगा शायद। इसके पीछे भी एक पुल है, इसके पीछे एक पुल है जो अभी नहीं दिख रहा, वो उसमें भी काम चल रहा है। ये आपका ऑन है और ये भी ऑफ हो गया है। देखिए कुछ अच्छा सा मस्त सा, अब गाइस यहाँ पे हम लोग रील शूट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये लोकेशन बस है, और ये शायद बोकारो से क्या से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है यहाँ पे दामोदर ब्रिज, जो कि बहुत फेमस ब्रिज है। आप सुने होंगे या देखते होंगे, या जो झारखंड से हैं, जो बोकारो से हैं उसको तो पता होगा, और जो झारखंड बोकारो से नहीं है तो वो आए घूमें, बहुत मस्त जगह। देख रहे हैं ब्रिज कितना ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और आगे ज़्यादा नीचे तो जाएंगे नहीं, कितना ही ज़्यादा नीचे है। वाह, क्या ब्यूटीफुल, इधर भी देख लो लोग नहा रहे हैं। यहाँ उतरने का है, मगर उतरने से बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, रिस्क तो लेना नहीं है। गाइस यही रहा, अब दिखाते हैं अपना बाइक का कुछ सिनेमैटिक शॉट। तो चलिए बाइक के पास शॉट। ओके गाइज,
फाइनली सिनेमेटिक शॉट कंप्लीट हो चुका है, अब जाएंगे हम लोग नीचे और नीचे जाकर के आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं और मिलते हैं नीचे पे। तो चले अब नीचे मिलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, और नीचे भी काफी मस्त लोकेशन है, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं पीछे ब्रिज है, गाड़ी चला रहे हैं, तो अभी देख सकते हैं उधर है, उधर अभी हम लोग को पूरा उधर नीचे जाना है। तो चलिए आपको मिलते हैं नीचे में। तो गाइस अभी हम लोग नीचे का रास्ता पे आ चुके हैं, और नीचे पूरा कच्चा इलाका है, कच्चा रास्ता है, यहाँ ऑफ रोडिंग चल रहा है। गड़बड़ा गया है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर ही फंस चुके हैं पूरी तरीके से, देख सकते हैं इधर पूरा कादो ही कादो है। क्या आप देखते हैं, देखते हैं इधर से पार हो पाते हैं कि नहीं। आइए आइए धीरे धीरे आइए ना, कोशिश कीजिए। और पूरा कड़ा मिट्टी है, मगर धसेगा नहीं, कड़ा मिट्टी है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ट्राई तो कीजिए। तो गाइस अभी फाइनली गाड़ी बाहर निकल चुका है, कैसा लग रहा है जी? बहुत थक चुके हैं, बहुत थक चुके, एकदम चूर हो गए थक के। ये गाड़ी हो घुमा देख सकते हैं, काम हो गया था। अब देखते हैं गाइस कोई दूसरा जगह उधर जाने का, तभी चलते हैं जी, वहाँ चलते देखते हैं और कोई इससे बढ़िया रास्ता होगा तो वहाँ चलेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते, बहुत ज्यादा थक गए हैं, और अपना हेलमेट लेते हैं और फिर वही लोकेशन में चलते जहाँ हम लोग को जाना है। लाल ही रास्ता से तो जाने वाले नहीं है, देख लीजिए लास्ट टाइम इसको, बहुत कीचड़ है यहाँ गाड़ी। अच्छा हुआ कि आधे कोने में फंसा था हम लोग गाड़ी, तो निकल गया ना, तो बीच में अगर फंसता तो बहुत प्रॉब्लम पड़ जाता, बहुत ज्यादा मुश्किल। चलिए तो अभी चलिए हेलमेट ले लेते हैं और अभी निकलते हैं यहाँ से। हल्का गाड़ी नहीं है ना, बात ये हो रहा है, गिरेगा वो, नहीं पकड़ ली। चलिए ऐसे रखो ना ऐसे। गाइज रास्ता जो है हम लोग गलत रास्ता में आ गए हैं, देख लीजिए यहाँ भी जहाँ हमको जाना था वहाँ भी दिख नहीं रहा, और काफ़ी दूर से आए हुए वहाँ भी, ये 5 किलोमीटर अंदर आ गए फिर भी हमको वो क्या बोलता है नदी नहीं मिला। इसी के लिए हम लोग बैक जा रहे हैं और गाड़ी रखेंगे पुल पे और फिर नीचे जाएंगे, फिर आप लोगों को व्यू दिखाएंगे वहाँ का। तो चलते हैं पीछे। गाइस नीचे पहुंच चुके हैं कितना मेहनत के बाद। नीचे उतर चुके हैं और अभी देखे हैं, अभी बाइक लेके आ गए हैं पानी से, पानी के थ्रू आए हुए हैं देख सकते हैं। और पहले हम लोग उस जगह पे थे, उस जगह पे थे, वहाँ से नीचे उतरे हैं, वहाँ से फिर आए और इस जगह से आते हुए यहाँ से आए हुए हैं।
और गाइज जो हम लोग थे उस जगह पे थे, आपको दिखता होगा पीछे में, तो पीछे से आए हुए थे उस पुल के पास थे हम लोग, अभी फिर यहाँ आए हुए हैं और नीचे उतरने बहुत ज़्यादा मेहनत लगा गाइज। तो प्लीज़ जब आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप मेरे लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो देख रहे हैं यहाँ का कुछ व्यू इस तरह सा है। और गाइज बाइक का हालत देख ले आप पार करवा दिए आज, वहाँ से पूरा पार करवाते हुए आए हुए हैं यहाँ से। और हम लोग वहाँ थे, वहाँ से जो आए हुए हैं उधर से, और वो रास्ता से क्रॉस करते हुए इधर आए हुए हैं। ये रहा बाइक N160 पल्सर, जिनके पास है वो कमेंट करें। आप देख रहे हैं लुक, गाइस यहाँ का कुछ व्यू देख लें आप। चलिए और सामने से दिखाते हैं आपको। ओ ठंडा गाइस। हाँ अब दिखाते हैं सामने से पानी को। ये रहा पानी, देखिए पानी हो, बहुत ज़्यादा ठंड है। जब आप ऐसे खेलोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए ये शायद मछुआरा है, ये भाई साहब आज शायद यहाँ ट्रैक्टर घुसा दिया हो तेरी गाड़ी को नहीं मारता भाई। और आगे आते हैं देखते क्या है। फाइनली ये लोकेशन रहा कुछ इस तरह का। देखिए सब ट्रैक्टर लेके आया है, पता नहीं क्या करेगा, शायद बालू यहाँ से लेके जाता होगा। ये रहा इसका नाम जो है, क्या नाम है? दामोदर ब्रिज। इसका नाम ऐसा है कि भूल ही जाते हैं, ये दामोदर ब्रिज है। बहुत बड़ा, बारिश के टाइम पे ये पूरा का पूरा डूब जाता है। अभी तो सूखा हुआ है, पूरा ऊपर तक पानी आता है। देख रहे कम से कम वो 80 फीट होगा वो पुल का हाइट, वहाँ से पानी नीचे थोड़ा रहता है और ये पूरा का पूरा डूब जाता है। यहाँ आप मछली पकड़ सकते हैं, यहाँ आप नहा सकते हैं और यहाँ घूम सकते हैं। पिकनिक बनाने का ये जगह नहीं है पिकनिक, तो यहाँ शमशान घाट भी है, तो यहाँ आके सिर्फ आप जल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हाँ गाइस अब निकलते हैं घर, क्योंकि टाइम भी हो गया, भूख भी लग गई है। अब इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि बहुत मेहनत लगा वहाँ से यहाँ आने के लिए। देख रहे हैं बाइक को भी लेकर के आए हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।